इस मेट्रो स्टेशन के बाहर महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति अलहावत की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। जिस हमलावर ने उन्हें गोली मारी थी उसकी पहचान दिल्ली पुलिस के PSI दीपांशु राठी के तौर पर हुई है। पुलिस को उसका शव आज सोनीपत में एक गाड़ी में मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि दीपांशु ने उसी पिस्टल से खुदकुशी की जिससे रात में उसने महिला पुलिसकर्मी को मारा था। दरअसल शुक्रवार रात महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति अलहावत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रीति पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात थी। रात के वक्त वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद मेट्रो से पूर्वी रोहिणी मेट्रो स्टेशन पहुंची और फिर पैदल ही अपने घर की तरफ चल दी। इसी दौरान बेहद करीब से प्रीति पर 3 राउंड गोली चला दी। प्रीति को 2 गोली लगी जबकि एक बगल से जा रही कार के पीछे शीशे पे जा लगी। प्रीति को एक गोली सिर में लगी थी जिसके बाद प्रीति वहीं गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हमलावर को पकड़ने के लिए मेट्रो स्टेशन के बाहर लगे CCTV फुटेज की जांच की गई। इन्हें देखकर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस के मुताबिक प्रीति 2018 बैच की सब इंस्पेक्टर थी। वो रोहिणी के सेक्टर 8 में रह रही थी। उनकी पोस्टिंग पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के पुलिस स्टेशन में थी। प्रीति और दीपांशु ने साल 2018 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी। न्यूज डेस्क।